आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। खबर राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन की है। आपको बता दें, देहरादून के रेलवे स्टेशन में जमकर हुआ पथराव। एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अजय सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला अरेला वार्ड नंबर 6 तातागंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश एवं तातागंज बदायूं की ही 16 वर्षीय युवती रेलवे स्टेशन देहरादून पर घूम रही थी। उन्होंने बताया कि आरपीएफ को संदिग्ध प्रतीत होने पर उनके द्वारा की गई पूछताछ में युवक व युवती द्वारा सही से जवाब न देने के कारण दोनों को आरपीएफ कार्यालय में बैठाया गया था, तथा लड़की के घर वालों से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि लड़की अपने घर से एक दिन पूर्व बिना बताए देहरादून आई है, जिसकी गुमशुदगी बदायूं थाने में दर्ज है। लड़की के परिवारजनों को सूचना मिलने पर लड़की के परिवारजन एवं यूपी पुलिस देहरादून के लिए निकल चुकी है। वहीं मौके पर अलग अलग संप्रदाय से संबंधित होने के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं पुलिस बल के साथ इलाके में गश्त पर रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और जल्द सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहां पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहां पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर, इसके तत्पुरात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है, इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर नेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और सभी जो इस तरह के अराजक तत्व गलियों में भाग गए। इस संबंध में थाना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में जो सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के द्वारा जो अब लोगों से जानकारी मिली, उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट।